भारत में हमारी नई पीढ़ी की स्टूडेंट्स को इमर्जिंग एरिया में स्किल करना, रीस्किल करना, अपस्किल करना, ये भारत सरकार की एजुकेशन तथा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक प्रायोरिटी की एजेंडा है। इसीलिए देश की लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बजाज फिनसर्व के साथ आज शिक्षा विभाग और स्किल डिपार्टमेंट दोनों की एमओयू हुई है। उनके अंडरस्टैंडिंग में जो इमर्जिंग एरिया है उस कोर्सेस को उन्होंने डेवलप किया है। अभी उन्होंने 40,000 स्टूडेंट्स को कैपेसिटी बिल्डिंग उनका कराई है। 23-24 एकेडमिक ईयर में वो 20,000 स्टूडेंट को अपने खर्चे से सीएसआर में कैपेसिटी बिल्डिंग करने वाले हैं। उनको क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ जोड़ना, उनको एनसीबीटी, एआईसीटी, यूजीसी की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में उनको फैसिलिटेट करना, एक माइक्रो क्रेडेंशियल बनाना, एक कॉम्पिटेंसी डेवलप करने में उनकी जो डेवलप कोर्स कैरिकुलम, उनकी जो मॉड्यूल है, उनको एक एकेडमिक क्रेडिबिलिटी देने के लिए आज एमओयू हुई है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डिग्री जितनी महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटेंसी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी में भारत की नौजवानों को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए ग्लोबल जॉब मार्केट में भारत की नई पीढ़ी को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए इस प्रकार की अरेंजमेंट आवश्यकता है। आज उस दिशा में हमने एक बहुत बड़ी कदम बजाज फिनसर्व और गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमने आज उस एमओयू को पूरा किया है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।